हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है वेनसडे और हमने देखा कि ऊपरी लेवल पे निफ्टी फिर एक बार सस्टेन नहीं हो पाया। निफ्टी ने फिर एक बार नया लाइफ टाइम हाई तो लगा दिया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और लाल निशान में बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी भी 379 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। फेड के चेयरमैन का बयान आया था कि जॉब का जो ओवरऑल डेटा है वो हद से कम आ चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेट कट हो सकता है, तो इसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा हमें प्रेशर देखने को मिला। तो सबसे पहले ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। जो हमने लेवल्स मार्क किए थे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल के जस्ट वो ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया वन वे, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजिली अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट के बाद भी जब एक लंबा सा रेड कैंडल बना और भी ये निफ्टी नीचे जाते हुए देखने को मिला। लेकिन जो रिकवरी आई है, जो ये एक घंटे का ये जो पैनिक मूव था उसके बाद जो रिकवरी आई है, उसका अगर हम रेशो निकाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करके, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, ये हाई और ये लो, तो ये जो गिरावट थी इसका 61.8% का ये जो लेवल है ये इसने अचीव कर लिया। एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी के पास आके इसने रेजिस्टेंस लिया और आप देख सकते हैं 50 और 61.8%, ये काफ़ी मेजर रेशोज होते हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अभी 50% का ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, 23.6% का जो लेवल था वहाँ पर सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हुआ। एग्जैक्ट 61.8% के लेवल के पास जहाँ पर हमारा ये सेकेंड टारगेट का लेवल भी उधर ही आ रहा था, इसने एग्जैक्ट उधर ही सेकेंड टारगेट के पास रेजिस्टेंस लिया। अभी कल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ही हमें यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज हो सकता है फिर से एक बार हमें निफ्टी है वो लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई दे। चलते 60 मिनट के चार्ट पे। ये 60 मिनट का चार्ट है। एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप देख सकते हैं ये ओपन हुआ पिंक लाइन के ऊपर, नीचे आया, पिंक लाइन टूटा, ब्लू लाइन भी टूटा, लेकिन ब्लू लाइन जो 50 एमए का लाइन है ये दोनों भी सपोर्ट के काम करते हैं। तो ब्लू लाइन के पास आप देख सकते हैं 4 घंटे लगातार पेनेट्रेट कर रहा था और फिर बाउंस बैक होके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिंक लाइन के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो हमारा कल के लिए ब्रेकडाउन लेवल बनेगा पिंक लाइन के जस्ट नीचे 24309, उसके बाद फर्स्ट टारगेट बनेगा 24290 और सेकेंड टारगेट होगा 24270। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 24343, फर्स्ट टारगेट होगा 24363 और सेकेंड टारगेट होगा 24382। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसे हमने देखा निफ्टी में गिरावट आई थी, तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल के पास ही ओपन हुआ, 1-5 मिनट में ही फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ पर भी सेकेंड टारगेट के लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया और फिर यह नीचे आकर एक साइडवेज मूवमेंट पर पूरे दिन ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो ये है 60 मिनट का चार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी इसने ब्लू लाइन और पिंक लाइन के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, तो जब इसने ये दोनों लाइन तोड़ दी तो थर्ड लाइन जो है 100 EMA यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है और अभी यहाँ पर और एक पैटर्न बना है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको पास्ट में याद होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पर 20 और 50 यानी ब्लू लाइन 50 EMA का, पिंक लाइन है 20 EMA का, ये निगेटिव क्रॉस ओवर बन रहा है, पिंक लाइन ब्लू लाइन को काट रहा है और इसके नीचे 100 EMA है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तभी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक बाउंस बैक मोमेंटम देखने को मिलता है। 100 EMA नीचे होना चाहिए और उसके ऊपर पिंक लाइन ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काटना चाहिए, ऐसा जब पैटर्न बनता है तब एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। अभी देखते हैं कल यहाँ पर बाउंस बैक होता है या नहीं। सो फिलहाल कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा ये ग्रे लाइन के जस्ट नीचे 52113, फर्स्ट टारगेट होगा 52063 और सेकेंड टारगेट होगा 52005। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 52275, फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 52332
और सेकेंड टारगेट होगा 52,390, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।